वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, i5 का 11 जनरेशन के साथ में एक सेटअप बिल्ड करेंगे आज की वीडियो में, और 30,000 रुपए के आसपास बहुत ही बढ़िया सेटअप रहेगा तो इंटेल की ओर से आपको देखने को मिल रहा है। तो 30,000 रुपए के आसपास आपका बजट है तब आप इसको बनवा सकते हो। बहुत ही अच्छा जो है आपका बिल्ड रहेगा, i5 11 जनरेशन 3200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चलती है, एक अच्छा सेटअप रहेगा। अगर ग्राफिक कार्ड में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है तो इसको आप बनवा सकते हो, बहुत अच्छा आपका सेटअप रहने वाला है। तो बात करते हैं इस प्रोसेसर के, प्रोसेसर में आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, आपको 6 कोर का प्रोसेसर है ये, 12 थ्रेड्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.40 गीगाहर्ट्ज की है, बढ़िया फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला प्रोसेसर है। बेस फ्रीक्वेंसी 2.60 गीगाहर्ट्ज की है। 12 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिल रही है। पावर कंजप्शन 65 वाट का है। 128 GB तक DDR4 3200 MHz तक की रैम आप लगा सकते हो। डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है। इंटेल की ओर से ग्राफिक देखने को मिल रहे हैं जो कि UHD ग्राफिक है, 730 मॉडल 1300 MHz पे चलने वाला ये ग्राफिक है। ग्राफिक कार्ड सपोर्ट भी मिलती है, जनरेशन 4.0 तक की आप ग्राफिक कार्ड इसके साथ पेयर कर सकते हो अगर कभी लगाना है तो। सॉकेट की बात करें तो LGA 1200 सॉकेट पर चलने वाला ये आपका प्रोसेसर है। ऑफिशियल प्राइसिंग अगर देखी जाए रुपीज में तो 13,650 रुपए के आसपास निकल के आती है। अभी देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अगर हम इसके रेट लें तो तकरीबन 15,000 के आसपास आपको ऑनलाइन देखने को मिल जा रहा है। अमेजोन पे आपको 16,380 रुपए आज का रेट, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है। बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो देखिए एक परफेक्ट मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बजट रेंज में आने वाला है। MSI की ओर से आने वाला H510MA Pro मदरबोर्ड, काफी बढ़िया मदरबोर्ड है। 11 जनरेशन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 10th जनरेशन को भी ये सपोर्ट कर जाता है। काफी बेसिक सा है लेकिन काफी बढ़िया मदरबोर्ड आप देखने को मिल जाता है बजट सेगमेंट में। HDMI की कनेक्टिविटी है, VGA पोर्ट भी है, 4 आपको 2.0 जनरेशन के देखने को मिल रहे हैं USB पोर्ट, वहीं आपको 3.0 के 2 USB पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ऑडियो वाले पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और ये PS2 वाला पुराने टाइप का पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है PC जनरेशन 4.0 तक के ग्राफिक कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हो। M.2 का भी सपोर्ट मिलता है आपको, जनरेशन 3 तक की आप लगा सकते हो इसमें। और जो रैम के स्लॉट मिल रहे हैं वो भी आपको 3200 MHz फ्रिक्वेंसी पर चलने वाले देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही कुछ बात मदरबोर्ड की। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अमेजोन पर 6,240 रुपये में देखने को मिल रहा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इस पे 500 रुपये के आसपास प्राइसिंग अभी बढ़ चुकी है। 5,500 रुपये के आसपास मिलता था, 6,000 से ऊपर इसकी प्राइसिंग जा चुकी है। 3 साल की वारंटी के साथ में आता है, बढ़िया मदरबोर्ड है, इस वाले बिल्ड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला पार्ट देखें तो देखिए DDR4 रैम लगाएंगे 3200 MHz फ्रिक्वेंसी की, जो कि हमारा मदरबोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है 3200 MHz को, और इतना ही 3200 MHz हमारा प्रोसेसर भी सपोर्ट कर रहा है। एक XPG अडाटा की बात करें, GameX मॉडल है, D30 DDR4 8 GB का 3200 MHz फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला, Amazon पर 2799 रुपये आज का रेट देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं अलग अलग, बगैर हीट सिंक के लेंगे तो 2570 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है। कोर्सियर ब्रांड की तरफ से 2945 रुपये में आपको देखने को ये वाला मॉडल देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज के बिल्ड में ये भी काफ़ी बढ़िया मॉडल है XPG अडाटा का GameX, ये वाला हम लगाएंगे। 240 GB NVMe जनरेशन 3 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वेस्टर्न डिजिटल की ओर से आने वाली ग्रीन WD ग्रीन इस वाले को यूज करेंगे। SSN 350 मॉडल है, 240 GB स्टोरेज है, 2491 रुपये बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको देखने को मिल रही है। और भी बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो बजट रेंज में भी है। देखिए 2680 रुपये में क्रूसियल ब्रांड की देखने को मिल रही है, 2400 MB पर सेकेंड की रीड राइट स्पीड ये आपको देखने को मिल रही है। वहीं आपको 2917 रुपये में 250 GB की NVMe WD ब्लू देखने को मिल रही है, जो कि आपको 3300 MB पर सेकेंड की रीड स्पीड आपको देगी निकाल के। तो आप चाहो तो 400-500 रुपये डाल के ब्लू भी आप लगा सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छी डील मिले और जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हो। फिलहाल आज के बिल्ड में मैं WD ग्रीन लगाने जा रहा हूँ, 240 GB की 2491 रुपये प्राइजिंग देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। रहेगा अगला पार्ट हमारा पावर सप्लाई, जो कि एक नॉर्मल सी आंट ई स्पोर्ट्स ब्रांड की तरफ से आती है, 500 वाट की 1975 रुपये में है। वहीं सिल्वर स्टोन की एक अधिकतर बिल्ड्स में मैं इस्तेमाल करता हूँ, 600 वाट की वाटेज भी यहाँ ज़्यादा मिल जाती है, साथ ही साथ प्राइस भी बहुत आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। 80+ सर्टिफिकेशन के साथ भी ये आती है, 2349 रुपये इसका MRP है। 5 साल वारंटी आपको इस वाले मॉडल में देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 2 साल मिलेगी। फिलहाल आज के बिल्ड में 500 वाट इस्तेमाल कर रहे हैं 1975 रुपये का। अगला कंपोनेंट देखते हैं, देखिए RGB कैबिनेट का इस्तेमाल करेंगे, एक बजट सेगमेंट में आने वाली चिप्ट्रॉनिक्स ब्रांड की ओर से आती है, अमेजोन को देखने को मिल रही है, 2499 रुपये MRP है, 6 साल इस पर वारंटी देखने को मिल रही है इस कैबिनेट पर। सभी पार्ट्स की अगर प्राइसिंग देखें, हमारा टोटल कितने का पूरा सेटअप हमारा बन रहा है, जो कि हम पूरा ऑनलाइन सिस्टम के प्राइस हमने लिया है, तो पूरा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। तो देखिए प्रोसेसर हमारा 15,049 रुपये में देखने को मिल रहा है, और मदरबोर्ड हमारा 6,240 रुपये का है। DDR4 रैम आपकी 3200 MHz की 2799 रुपये की है, 240 GB की NVMe जनरेशन 3 की 2491 रुपये में पड़ रही है।
500 वाट का SMPS आपको ₹1975 में देखने को मिल रहा है, RGB कैबिनेट आपको ₹2499 में देखने को मिल रही है, सभी पार्ट्स की कीमत मिलाएं तो ₹31,053 आपको देखने को मिल रही है। तो तकरीबन 30,000 के लमसम आप अगर रुपया आपके पास है तो एक अच्छा जो है आपका सेटअप देखने को मिल जा रहा है, वो भी ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन लेंगे तो आपके पैसे और भी ज़्यादा बच सकने की पूरी संभावना है। प्रोसेसर भी आपको सस्ता मिल सकता है, मदरबोर्ड भी आपको सस्ता मिल सकता है, रैम पे भी आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। फिलहाल ये हमारा एक अच्छा परफॉर्मेंस CPU हमारा बन रहा है i5 11th generation का, जो कि बहुत ही दमदार आप परफॉर्मेंस इससे निकलवा सकते हैं। उसका ग्राफिक भी अच्छा है, 3200 MHz फ्रिक्वेंसी पे भी चलेगा और बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल भी रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे आपको एक हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी, जो आप 1 TB की इस्तेमाल कर सकते हो या 2 TB की इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आपका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। इसका ग्राफिक काफ़ी बढ़िया है, जिसमें GTA 5 जैसे गेम्स आपके आराम से चलेंगे, वीडियो एडिटिंग भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, 4K सपोर्टेड आपका प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो i5 11th generation में आप जा सकते हो, जो कि अच्छे फीचर्स के साथ कम बजट में आपको देखने को मिल जा रही है। i5 12th generation में बिल्ड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अभी मदरबोर्ड उसके काफ़ी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, और उसमें अभी i5 12th generation में अगर DDR4 सेटअप ही बनाओगे तो वो भी आपको 3200 MHz की ही फ्रिक्वेंसी निकाल के देगा, वहाँ भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कोई विशेष आपको परफॉर्मेंस उसमें और इस वाले बिल्ड से ज़्यादा उसमें बेहतर नज़र आने वाला नहीं है। i5 12th generation तब बेस्ट है जब उसके साथ आप DDR5 सेटअप आप बिल्ड करते हो। फिलहाल ये वाला सेटअप आपका आज की डेट में देखा जाए इंटेल की ओर से बहुत अच्छा सेटअप आपको 30,000 रुपये के आसपास बजट में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, जिनका बजट 30,000 रुपये के आसपास है तो वो इसको बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।